हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि COVID-19 वैक्सीन लेने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो जाता है। उनमें से दो सवाल तो मस्ट है, लोगों के मन में पैदा होता ही होता है। एक सवाल क्या है कि अगर मैंने फर्स्ट डोज वैक्सीन ले लिया, उसके बाद सेकेंड डोज नहीं लूँगा तो इनमें दिक्कत क्या होगा, क्लियर। एंड दूसरा सवाल है कि अगर फर्स्ट डोज लेने के बाद सेकेंड डोज का जो टाइमिंग दिया हुआ था वो टाइमिंग अभी खिलाफ हो चुका है, उसके टाइमिंग खिलाफ होने के बाद अगर मैं वैक्सीन लूँगा तो इनमें दिक्कत क्या होगा, क्या मुझे फर्स्ट डोज फिर से स्टार्टिंग से लेना होगा या डायरेक्ट मैं सेकेंड डोज ले सकता हूँ। तो सारे सवालों का जवाब इस एक ही वीडियो के अंदर मैं आपके सामने डिटेल में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में जरूर एंड तक बने रहना एंड वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं जो चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, ओके, इन दोनों सवालों का जो जवाब मैं आप लोगों को दूंगा, बिल्कुल एक्सपर्ट के मत अनुसार मैं आपको बताऊंगा। मैं खुद से आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, जो एक्सपर्ट ने बताया है वही चीज़ मैं आप लोगों के सामने दोहराऊंगा, क्लियर। पहला सवाल आपका है कि अगर आपने मान लो कि फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन ले चुके हो एंड सेकेंड डोज नहीं लेना चाहते हो तो इनमें आपका दिक्कत क्या होगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डोज ही आपका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग नहीं कर सकता है। अगर आपके शरीर में कहीं किसी तरह से वायरस घुस जाता है तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डोज ही वायरस के साथ मुकाबला नहीं कर सकता है, आपका शरीर में बहुत सारी दिक्कत आ सकता है, ओके, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन ले चुके हो तो आपको सेकेंड डोज भी लेना जरूरी है। बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आपको सेकेंड डोज लेना होगा। अगर आपने सेकेंड डोज ले लेते हो तो अगर आपके शरीर में वायरस अटैक कर लेता है तो वायरस के साथ मुकाबला करने के लिए बहुत ही इनफ हो गया, ओके, बहुत ही अच्छे से मुकाबला कर सकता है, क्लियर। दूसरा बात हो जाता है कि अगर आपने फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन ले चुके हो एंड सेकेंड डोज आपने टाइम के अंदर नहीं लिया, क्या आपको क्या करना है, क्या सेकेंड डोज डायरेक्ट लेना होगा या स्टार्टिंग से फिर से फर्स्ट डोज लेना होगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको स्टार्टिंग से फर्स्ट डोज नहीं लेना होगा, आप डायरेक्ट सेकेंड डोज ले सकते हो। मतलब किसी कारण के वजह से अगर आपने सेकेंड डोज नहीं ले पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी से सेकेंड डोज लगवा लो, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको एक्सपर्ट का बात सुनाऊंगा इस वीडियो के अंदर। The partial immunity that you have will wane over time. It will disappear unless boosted. So if you miss the boosting, then you remain vulnerable because you only have been primed. The second shot ensures the immunity stays for a longer period of time. The immunity stays goes higher. That's it. So your protection starts roughly around 2 weeks after the first shot. It slowly increases, may reach a peak by around 6 weeks and then starts slowly going down. So a second shot taken by around 6 weeks to 12 weeks will augment the response and keep you immune for a longer period of time. If you don't take the second shot, your immune response will slowly start going down. By 6 weeks to 3 months, your immune response may be lower and you will have to probably end up taking two shots, another shot again. आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया है एंड अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम मी, बी गुड टू गुड सेल एनीबडी, विल फॉलो।